टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कार में लगे टेप की चोरी करने वाले जुबैर रईस अहमद को कलवा पुलिस ने मुमरा से गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर और उसका एक साथी रात के समय ठाणे, कलवा, वर्तक नगर ऐसे अन्य इलाकों में कार में लगे टेप की चोरी की घटना को अंजाम देते थे। यही नहीं, ये आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र से गोवा तक भी चले जाते थे, मगर कलवा पुलिस को काफ़ी शिकायत मिल रही थी। उनके इलाके में चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, ज़्यादातर जो चोरी की वारदात हो रही थी वो कार से टेप चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि दो लोग TVS वीगो गाड़ी से चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके बाद गुप्त जानकारी के आधार पर और करीब 40 CCTV कैमरों की मदद से आरोपी जुबैर रईस अहमद को मुमरा से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके एक दूसरे साथी की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इसके पास से 20 कार टेप बरामद किए हैं, जिसकी 1,70,000 रुपये कीमत बताई जा रही है। कलवा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP अविनाश अंबुरे ने क्या जानकारी दी है आपको सुना दें। जुलाई और अगस्त मंथ में कार टेप चोरों की वारदातें हमारे कलवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसी तहत हमारे जो DB स्टाफ के जो PSI बगदा ने और उनकी पूरी टीम हमारे सीनियर PI मनोहर आवाड के मार्गदर्शन में काम कर रही थी। हमें CCTV फुटेजेस और हमारे गुप्त बातमीदारों से ये पता चल गया था कि एक TVS वीगो नाम की मोटरसाइकिल इस गुने को अंजाम देने के लिए यूज़ की जाती थी, और फुटेजेस और बाकी जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उनसे हमें पता चला कि जुबैर अहमद रईस अहमद नाम का इसम जो मुमरा में रहता है, उसको जब हमने ताबे में लिया तो हमें पता चला कि इसने करीबन दोनों कलवा के जो हमारे ऑफेंसेस रजिस्टर थे उसमें ये आरोपी था। और इसके जब हमने इसकी घर झड़ती ली और इसमें आगे तफ्तीश की तो हमें करीबन हमने उसके पास से 20 कार टेप हमने उसके पास से बरामद किए। कुल मिला के उसकी कीमत 1,70,000 से ऊपर है, और थाना शहर के अंतर्गत 4 पुलिस स्टेशन्स में इसने कार टेप चोरी की वारदात की है। उसमें कलवा पुलिस स्टेशन में किए है, ठाणे नगर पुलिस स्टेशन और वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में भी इसने ऐसी कार टेप चोरी की जो ऑफेंसेस है जो रजिस्टर्ड है। सर, कुल कितने लाख का मुद्देमाल है और कितने आरोपी इसमें और मिल जा सकते हैं? 20 कार टेप हमने अभी तक रिकवर किए हैं, और एक आरोपी हमें लगता है कि शायद वो उसका साथीदार है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसकी कस्टडी अभी 16 तारीख तक हमारे पास में है, आगे और जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको बता देंगे।